नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं सच बेधड़क। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन ही बचा है। इस कड़ी में सारी पार्टियों ने शुरुआत कर दी है, हर जाति को भेदने में लगी हुई है। इसी कड़ी में इस वक्त हमारे ऑफिस में आए हुए हैं सनातन ब्रह्म फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव शर्मा जी, जो इस वक्त हमसे हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं, पहले तो ये जानते हैं इनका फाउंडेशन किस तरह काम करता है और इनका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। सर, कैसे हैं आप? सभी प्रदेशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और मैं अपने दिल से उनको नमन करता हूँ। साथ ही अपना सनातन ब्रह्म फाउंडेशन हमारा जो है उसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा 2004 की संस्था है। 2004 में ये संस्था रजिस्टर्ड हुई थी। तो इस संस्था का मूल उद्देश्य है जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो ग्रुप कहीं ना कहीं दबा हुआ है, जिसकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचती है, जो हमारी सरकारी स्कीमों को प्राप्त नहीं कर पाता है, हम उस ग्रुप तक पहुंचना चाहते हैं। वो बेसिकली आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, चार जातियाँ हैं। तो हमारा इस सनातन ब्रह्म फाउंडेशन का भी मिशन शुरू से यही है, हम जातिवाद से हटके हम बेसिकली सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिभाषा को परिलक्षित करना चाहते हैं और बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं हैं जिन पर हम लोग आगे चल के समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, जिसमें जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, उनको पेंशन की उपलब्धता कराना, ये हमारे संगठन का प्रमुख कार्य होगा। विकलांग एक प्रकोष्ठ हमने अपना बनाएंगे, उस प्रकोष्ठ में बहुत सारे विकलांगों को बहुत सी ऐसी सुविधाएं दिलाई जाएंगी जो उनको, जैसे व्हील चेयर्स हो गई उनके लिए, उनके विभिन्न प्रकार के अंग लगवाना, इस तरह की सुविधाएं हमारे इस संगठन के माध्यम से होंगी। साथ ही साथ सनातन को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग एक पुरोहित बोर्ड का भी गठन की बात कर रहे हैं सरकार से। हमारी मांग है कि पुरोहितों के लिए एक सम्मानजनक बोर्ड होना चाहिए, उनके कल्याण की योजनाएँ होना चाहिए, जैसे उनको पेंशन होना चाहिए, उनके आकस्मिक मृत्यु पर कुछ उनको एक ऐसा मिलना चाहिए जिससे उनके परिवार को आजीविका के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। सर, जो आपने बताया कि हमारा जो सनातन ब्रह्म फाउंडेशन है, ये किसी एक वर्ग, किसी एक जाति के लिए काम नहीं करता है, बल्कि हर तरह के, खासकर जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको लेकर काम करता है। लेकिन एक सर, एक कहीं मिथ नहीं हो गया है कि जैसे आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म से जुड़े हैं, तो आप ब्राह्मणों के लिए ही अवेलेबल हैं या फिर उन्हीं के लिए हम जो भी कर रहे हैं, तो ऐसा भी एक मिथ बना हुआ है। इसमें सर कितनी सच्चाई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन हैं जो नाम के आगे सनातन लगाते हैं, ब्रह्म लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे, मतलब अनगिनत हैं। अभी हाल ही में महासभा भी हुआ था, तो उनका तो एक ही था कि हम ब्राह्मणों के लिए ही बने हुए हैं, ब्राह्मणों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है सरकार, विपक्ष को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण के साथ क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे सर? हमारा जो सनातन ब्रह्म फाउंडेशन, इसमें अगर आप देखें, सनातन वर्ड अलग है, ब्रह्म वर्ड अलग है। इन दोनों अगर शब्दों को आप देखेंगे, सनातन का मतलब होता है सत्य और न्याय, तो हमारा ये संगठन सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ेगा। संगठन में सत्य और न्याय के लिए अलग प्रकोष्ठ होगा, प्लस जो लोग सनातन के लिए आगे बढ़ा रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं आचार्य लोग हैं, जिनके अच्छे नैतिक मूल्यों से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, जिनको देखकर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये सोच ये है कि पहले हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेके चलें, साथ ही साथ इस ब्रह्म समाज के लिए भी हम कुछ करें। ब्रह्म समाज भी एक ऐसे समाज का अंग है जो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, उस समाज को साथ लेके हम सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा संगठन कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ब्रह्म समाज की ही बात करेगा, हमारा संगठन सर्व समाज की बात कर रहा है। सर, आपकी बात किया जाए तो देखा जाए कि लखनऊ में आप 30-40 साल से हैं और आपका एक अपना नाम है, एक उद्योगपतियों की लिस्ट देखा जाए तो इसमें एक शिव शर्मा नाम आता है। आपने बहुत नाम कमाया अपने फील्ड में, फिर आप प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं सनातन ब्रह्म फाउंडेशन के। तो आगे चल के हम क्या देखें कि आप आगे चल के राजनीति में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे, इसमें आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा अभी इस और कोई ध्यान नहीं है। मुझे लगता है समाज सेवा से आदमी को शुरू करना चाहिए अपना जीवन, क्योंकि पहले, सबसे पहले आप परिवार को देखते हैं, परिवार को अगर आप सुरक्षित करते हैं तब आप समाज की तरफ देखते हैं। तो मैं समाज कल्याण के लिए निकला हूं, समाज कल्याण में जो भी जिम्मेदारी मुझे जिस जहां पर मिलेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं, और मेरा भी कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सनातन ब्रह्म फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि इन्होंने हमसे बात किया हुआ और चुनाव को लेकर इनके जो ओपिनियन है इस पर भी इन्होंने बात किया। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, खासकर शिव शर्मा जी से अपडेट के लिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सच पे धड़क। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।